बता रहे टाइगर के निशान मिले हैं यहाँ से 2 किलोमीटर के रेंज में। आराम से आना ना आलोक भी, आराम से आना। ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी? दिल दीवाना। एंड अभी अपन 61 किलोमीटर सिर्फ चले हैं। कीचड़ कीचड़ है भाई, तू फोन रख के चला। अरे बाप रे, आलोक भी उधर से दिखाओ तो। तेरे को बाइक वाला लगा रहा है सामने से बेचारा। लगी हल्की सी, उसको क्रॉस कैसे करेंगे भाई? इससे आगे नहीं जा सकते तो लोग कैसे करें? पता नहीं, वो लोग को होगा एक्सपीरियंस भाई। भाई अपनी गाड़ी फंस रही है यार। सेम जाओगे बाहर? अरे यहाँ से देख रहा हूँ, नहीं नहीं ले लेता हूँ ना। नहीं नहीं सीधा हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। पीछे जा रहा हूँ। हाँ तो इधर से अभी देख दे सामने, तो बहुत बेकार था भैया उधर। वहाँ तो ले लेंगे, बहुत कीचड़ था भाई, बच गया फंसते फंसते। बाप रे, देख सकते हो आप यहाँ पे क्या कीचड़ था। खैर यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिवर्स ले सकते हैं अपन, बिकॉज स्ट्रेट में जाना तो नहीं हो पाएगा। अरे भाई इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। देखो यहाँ पे, यहाँ से तो नहीं क्रॉस कर सकते, रोड स्ट्रेट दिखा रहा है यहाँ से वो उस तरफ। एंड यहाँ पे कीचड़ देखो भाई आप, अपनी कार तो फंसते फंसते रह गई। बहुत ज़्यादा ही बारिश हो गई एक्चुअली, इसीलिए। खैर दिक्कत नहीं है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस का जिसको भी लगता है भाई देख लो, आज अपन अच्छे से इसका टेस्ट कर रहे हैं। अपने को यहीं से रिवर्स लेना पड़ेगा एंड थोड़ा आगे करके फिर रिवर्स, फिर अपन फाइनली मोड़ पाएंगे। अभी अपने अभिषेक भाई रेनकोट पहन रहे हैं, वो गाइड करेंगे, बिकॉज ऐसे टाइम में रिस्क नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कोई ऐसे खड़े रहेगा ना तो बेटर रहेगा बताने के लिए। गाइस अभिषेक भाई रेडी होते, हाँ अपन ही पहन लेंगे वहाँ पे, रिवर्स कर लेंगे, मेन अपना टारगेट वही है। डर के मारे आप देख सकते हैं डायरेक्शन बताने के पहले ही वैसे हल्का होना जरूरी है। हम लोग सोच रहे हैं कि जो पहले वाला रास्ता था उसी से जाएंगे, सोच रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रेट दिख रहा है, फालतू इसमें आ गया ऐसा लग रहा है। बारिश तो बंद, बारिश बंद ब्रो, जल्दी से वो पानी क्लियर हो जाए, जल्दी से साफ हो जा तू। अबे मुंडू रेनकोट पहने, बारिश बंद हो गई ब्रो, तेरा विजिलेंटिक सपना पूरा नहीं हो पाया। तेरा कट गया ब्रो, ब्रो तेरा तो कट गया। Yeah, यू टर्न हो गया गाइस। अबे हट सामने से। भैया लोग आराम से क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। भाई उधर से जाना बिल्कुल रिस्क था, अच्छा हम लोग नहीं गए, बाइक वाला क्रॉस कर रहा है वहाँ से, आप लोगों को दिखाता हूँ। वो देखो कैसे क्रॉस कर रहे हैं वो, अच्छा वो कार नहीं ले गए अपन, इसी समय में कार नहीं ले जाना चाहिए। वो आ रहे हैं तो यहाँ से भी जा सकते हैं पैदल, बट वो बताया कि जहाँ से अपन राइट लिए ना वहाँ से सीधा रोड है 3 किलोमीटर अंदर गाँव में, वहाँ से सिर्फ यहाँ से जो घर दिख रहे हैं आगे उतना ही पैदल चलना पड़ेगा, डायरेक्ट झरना मिलेगा। यहाँ से भी जा सकते हैं, 1.5 किलोमीटर पड़ेगा बोल रहे हैं पैदल। तो भैया आ रहे हैं भैया, झरना किधर है? हाँ वो सीधा जाना है। हाँ ठीक, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया।
आप तो कैसे आ गए भैया पानी से, हम लोग की गाड़ी फंस गई थी वहाँ पे आए। घर तो मेरे यहीं पे है। अच्छा तो हाँ फिर ठीक है भैया। हाँ भैया ठीक, थैंक यू सो मच भैया। भाई मारना पड़ेगा इसको जबरदस्त। तो अभी अपन इंक्लाइन में खड़े हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका इंक्लाइन से निकालने का देख लो, ब्रेक पे पाओ, हैंड ब्रेक नीचे कर दिया। मेरा हैंड ब्रेक वाली आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी देखो जैसे मैं क्लच छोड़ूंगा, ब्रेक में तो पाओ है, अब फर्स्ट गियर लगाए, अब हल्का क्लच छोड़ दिए, अब इंजन ड्राइव हो रहा है देखो। एंड ऐसे टाइम में ब्रेक छोड़ के अपने आप खींच ली क्लच, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर वही खराब रास्ता भाई, जिसमें गाड़ी तीन चार बार लगी थी। इस गाड़ी बंद हो जाती ना, इसका चैनल बंद हो जाता। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता यार, फुल एक्सपर्ट है। अरे यार अच्छी बातें किया करो। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इधर से एचआईवी हो रहा है। मेरा उस समय बारिश हो रही तो कितना खतरनाक दिख रहा था ये, है ना? अब दिख रहा है ओपन। वो बोला इधर से जाने, तो यहाँ से जाएंगे? नहीं नहीं यहाँ से नहीं। हाँ राइट बोला, यहाँ से बोला। हाँ से बोला सीधा जाने, पूरा गांव से निकलेगा बढ़िया 3 किलोमीटर। इसके हाथ में मैप वैप नहीं देते। अपन ले लिए राइट, अब देखते हैं ये रोड कैसी हो। बोले कार पूरी चली जाएगी, बोले वो तो आपने सुना होगा खुद वीडियो पे, दो लोग से कंफर्म किया अपन। मुझसे पूछे कि नहीं वापस आ पाएगी कि नहीं। जाने तक दी क्या भैया? आउच, तुम 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 खत्म नहीं हो रहा। तेजस एक बार और बोलते, तुम 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 ऐसे गड्ढों में क्या करना चाहिए? करके निकल जाना चाहिए। बम्पर पर चल रहा, वहां पहुंचते पहुंचते बम्पर ही अलग हो गया। बम्पर तुम तक घूम के जाना है। यहां से अपन यहां पर रुके थे ना, इधर हां गाइस फुल ऑफ रोडिंग, उस पर अपन घूम के आएंगे। अरे बाप रे, आगे आगे ट्रैफिक है। भैया कार जाती तो हम लोग साइकिल में होते क्या? अरे पूछ रहे, आने तो दे भैया। झरना के लिए कितना जाना पड़ेगा? और 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वहां तक कार जाएगी, चली जाएगी ना, मतलब बिना दिक्कत? थैंक यू भैया। तू जितने लोग तुझे सबका मत डाल देना ना, पता चल रहे कमेंट आ रहे हैं सालो, समझ नहीं आ रहे। नहीं भैया कोई अनजाने जगह जाओ तो पूछना चाहिए 3-4 लोग से। कुछ लोग ना जानबूझ के इधर उधर भी बता रहे हैं। हाँ। हमारे जैसे ही होते हैं। समझो अब इससे भी पूछ लेती नहीं नहीं यहाँ इतना शॉर्ट नहीं जाता। वो पीछे वाला गाली बकेगा। खाएगी नहीं दी बेटी बॉल। बैड रोड्स कोई दिक्कत नहीं। बैड रोड्स का एक ही सलूशन, एल्ट्रोस। दे देना ना मेरे को पैसा, तुम्हें तारीफ करवा रहे। नहीं 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 रोड इधर है। बोले तो है कार जाएगी, ये सब ट्रैक्टर वाली रोड है। गरम है। बड़ा गड्ढा हो सकता है,
मुंडो खोद के दे और रे ये बड़ा था उधर आते समय देख के निकालेंगे कितना किलोमीटर आ रहे हैं मुंडू आगे से कच्चा पैदल रास्ता रहेगा बाकी वो आगे वाला रूट जोड़ता है अपन को यहीं से शायद आगे से लेफ्ट साइड वगैरह पर चलते रहे भैया झरना वाला रास्ता कौन सा है कहाँ से तो कार जाएगी कि पैदल जाना है वहां से थैंक यू भैया हाँ देखते हैं अब तो बारिश नहीं हो रही ना कांच खोल लेते हैं देख तो रहा है रोड यहाँ से लेफ्ट लेना दिखा रहा है देखते हैं जाता है कि नहीं अरे चला जाएगा एक गड्ढा बड़ा हो सकता है अपन थोड़ा राइट में लेते हैं इधर थोड़ा सा गड्ढा है फिर इधर से यस लाइक दिस गड्ढे तो बड़े बड़े हैं लेकिन बड़ा ना हो एकदम ऐसा करते हैं गुच्छू को नाइस समझ ही नहीं आ रहा है पता नहीं पूरा झरना अच्छा झरना का ही है बट पानी यहाँ आ रहा है बहते बहते इसलिए लग रहा है इतना छोटा कोई लात मार के नहीं फेंक दे लगा पेड़ से टूट गया होगा गाइस आई थिंक वी आर क्लोज टू झरना पत्थर बड़े बड़े हैं भाई अभी देख के डालना धीरे धीरे और आगे नहीं जाएगी वहां पे रोकना है उसके आगे पैदल जाना है और ये जो है ना टेंट बना है वही रोकते हैं बहुत बड़े-बड़े बोल्डर्स हैं गाइस ऐसे जगह साइड में नहीं रिवर्स भी लगता है हां फिर यही बस रोकते हैं हां आगे तो खराब है हवा मार के जाना है पैदल जाना है ये क्यों चालू करा सो गाइस फाइनली देखो क्या पानी है भाई चल के दिखाता हूँ आपको सब कोई रेनकोट पहनते हुए एंड मैं आपको दिखा दूँ भाई क्या पानी जा रहा है यहाँ से आज बारिश हुई तो और तेज पानी जा रहा है देखो झरना की तरफ बढ़ते हुए अपन सबके सब बहुत सही जगह खड़ी है एंड शिव भगवान जी को प्रणाम भी कर लो जो ड्रेस कब चेंज कर लिए भाई देखो भाई यहाँ तो बिल्कुल हार लाना पड़ेगा फुल ऑफ रोडिंग इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं टायर ही काट दे चप्पल पड़ी
दया पता करो, दया पता करो। अरे यार क्या नजारे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। एंड ये पत्थरों से सीढ़ी बनी हुई है गाइस, एंड यहाँ पे पानी देखो आप। बहुत सही जगह आ गया अपन, लेकिन क्यों देखो आगे पानी आ रहा है, हल्का हल्का आराम से जाना है, फिसलना नहीं है। एकदम आराम से कदम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, शूज गीला होते रहे, प्रॉब्लम नहीं है। देखो कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, सब जगह से पानी आ रहा है, मतलब काफी बारिश में तो। अरे बाप रे, जरा दिख रहा है गाइस, आ जाओ आराम से आना ना, आलो भी आराम से आना, मुंडू भी आ, रुको मुंडू भी आ, वो आगे मस्त आएगा, रुक जाओ, क्या झरना है भैया। कोई नहीं हाँ, क्या दिख रहा है भैया। गाइज अपन अपने डेस्टिनेशन में आ चुके हैं, एंड मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, बाप रे देखो यार क्या जबरदस्त है। अरे बाप रे क्या झरना है भाई। ओ देखो गाइस, अरे सर मत जाओ, देख लिया, सो गाइस देखो भाई, वर्थ अपना ट्रिप। आज बारिश हो गई करके इतना ज्यादा पानी नहीं, तो इतना ज्यादा पानी नहीं रहता है। तो अपन यहाँ पे फोटो खींच लें, आगे शायद मंदिर है, देखते हैं, आगे चलते हैं। शूज तो गीला हो ही गया है, बट स्टिल अक्षय कुमार टाइप आगे चलो खड़े चलो। इससे आगे नहीं जा सकते यार, सही बात है, इससे आगे नहीं जा सकते। तो उन लोग कैसे गए पता नहीं, उन लोग को होगा एक्सपीरियंस भाई, इसके आगे नहीं जा सकते। कोई मतलब नहीं आगे जाने का है ना, इसलिए तो पूरा उधर ही जाएंगे। हल्के हल्के स्प्रिंकलिंग्स आ रहे हैं, मस्त शावर जैसे पानी आ रहा है हल्का हल्का। आई थिंक इसके आगे नहीं जाना चाहिए, जाके बैठ जाए।
पानी के छींटे आ रही है देखो धुआं जैसे। अबे आप कैमरा निकल चुका है द्विवेदी सर का और फोटो शूट होने वाला है देखिए स्माइल। गाइस वो डिप्टी रेंजर हैं जो भी आए हैं जो खड़े हैं, बाकी एक और डिप्टी रेंजर है हमारे साथ भैया भी है, बता रहे टाइगर के निशान मिले हैं यहाँ से 2 किलोमीटर के रेंज में। कब मिले थे भैया निशान है? निशान कब मिले थे? निशान अभी बारिश बंद हुई ना, हमार बन के डेली है हाँ। पानी नहीं गिरी तब हमारे निशान मिल पाए। तो मतलब मिलता है बहुत समय से मिल रहा है क्या? हाँ, बहुत समय से मिलता है। मतलब कहीं छुपा हुआ है वो? हाँ, जंगल में पालो पहाड़। अरे बाप रे, मिलता ही रहता निशान। अरे बाप रे, निशान मिट गए पूरे। भाई शेर, शेर है आसपास। यहीं पे कितना मज़ा आ रहा है भाई, हम इससे आगे जाएंगे भी नहीं, एक थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, फोटोज़ वगैरह लेंगे, अपन यहाँ से चलेंगे। सर भी बोल रहे थे कि अच्छे समय में आए हो आप लोग, बहुत ज़बरदस्त मौसम देखने को मिल गया। एंड टाइगर अभी उस पहाड़ पे बोलते हैं, इधर नहीं है। एप्पल पार्टी गाइस। शेर आ गया, शेर। शेर से बच के रहना। एप्पल दे दूंगा। पहले तो उनको खाएगा फिर एप्पल दोगे आप? उधर जा। बिजनेस कर रहा हूँ। सो गाइस एक बार और देख लो आप, बाकी तो आप क्लिप्स देख ही लिए होंगे। हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से, बाय बाय दशकुंड झरना। भगवान जी आज हमारा दिन बहुत अच्छा था, इतना बढ़िया पानी देखने को मिला एंड काफ़ी सारी कठिनाइयाँ बीच में मिली देखने को। सो अब निकलते हैं, सामान पैक कर लेते हैं। अरे सामान डाल रहे हैं बैग, आप पहले उठा लिए। तो कार के पास चलते हैं फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बाकी तो रास्ता आप देख लीजिए, सेम वैसे ही जाना है, ठीक है? पानी भी हल्का सा कम हुआ, हल्का सा। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर कार। सो गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को व्लॉग में। काफ़ी कठिनाइयों के साथ हम पहुँचे बट हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, सब लिखा हुआ था कि हम इतना शॉर्टकट से आ जाएं, जहाँ पे अपने को सिर्फ 50 मीटर्स पैदल चलना पड़ा एंड हम लोग जस्ट वाटरफॉल के सामने थे। काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पे। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अब बाकी रोड तो आप देख ही चुके हैं, अपन डायरेक्ट जाएंगे हाईवे पे एंड खाना खाएंगे वहाँ पे, मिलते हैं फिर। तो तब तक के लिए सी यू फ्रॉम आलोक, फ्रॉम अभिषेक एंड फ्रॉम तेजस। भाई मैं काफ़ी भींग गया था, तो हम लोग अभी हीटर चालू किए हैं कार का, वो भी हाई, जितना हाई 30 डिग्री जो भी टेम्परेचर्स का हाई जाता है। अभी एक्चुअली बाहर 25 डिग्री है
एंड इसका हीटर बहुत सही काम कर रहा है एंड 7 नंबर फैन स्पीड पे है, मतलब बहुत सूख गया है भाई, बहुत सूख गया है। ये देखो ये गीला है इतना पार्ट, पहले पूरा गीला था बट अब बहुत सूख गया है। तो अभी थोड़ी देर और चालू करेंगे एंड जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी वो कांच खोल के बैठे हैं। थोड़ा बहुत तो माइलेज ड्रॉप होगा एंड मेन उधर जंगल में ऑफ रोडिंग में माइलेज ड्रॉप हुआ है, 20 से 17.5 आया है। देखो 3.5 घंटे में हम लोग 3.5 घंटे ऑलमोस्ट और 128 किलोमीटर किसरिया दढ़ावों में रुके हैं एंड एक टी शर्ट मिल गई मुझे, डिक्की पे पड़ी हुई थी, दौड़ने के लिए रखा था मैं, अच्छा झोले पे मिल गई। ये केसरिया ढाबा के पीछे देखो शायद ट्रक पार्किंग के लिए, कितना बड़ा एरिया है भाई, मस्त फुटबॉल ग्राउंड बन जाए यहाँ पे, स्टैंडर्ड साइज का 11 साइड, जबरदस्त। सो गाइस हमने क्रिस्पी वेज एंड अचारी पनीर टिक्का जो भी है उसको ऑर्डर किया स्टार्टर में एंड बहुत टेस्टी है। सो गाइस हम लोग का खाना हो गया है, केसरिया ढाबा में बहुत अच्छा है एंड काफ़ी बड़ा स्पेस है, काफ़ी साफ़ सुथरा भी है एंड ये स्पॉट में आप ज़रूर रुक सकते हैं। तो हमारे सब की तरफ से बाय, ये व्लॉग देखने के थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा।